नंबर फाइव देखिए क्या कह रहा है, ये थ्री बैग्स एंड फोर पेंस टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज, ठीक है, वेयर फोर बैग्स एंड थ्री पेंस टुगेदर कॉस्ट 324, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बैग एंड 10 पेंस, ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैग इक्वल टू में ₹x, और द कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या हो जाएगा, ₹y। अच्छा, तो देयर फॉर हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वन बैग एंड 10 पेन्स क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट तो ₹x बैग का और आपका पेन है 10, तो 10y हो जाएगा, इतना रुपीज लगेगा। तो हमें एक्स वाई निकाल कर यहाँ पुट कर देना होगा, हमें निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए थ्री बैग्स हैं तो 3x, और फोर पेन्स हैं तो 4y इक्वल टू में 257 रुपीज फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए फोर बैग्स है तो 4x, और थ्री पेंसिल है तो 3y इक्वल टू में 324 रुपीज, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इक्वेशन सेकेंड में 4 से, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9x प्लस का 12y इक्वल टू में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 257 है, और मल्टीप्लाई करना है हमें कितना से, 3 से, तो क्या आ जाएगा 771। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16x प्लस का 12y इक्वल टू 324 है, और मल्टीप्लाई करना है हमें कितना से, 4 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1296। चलिए यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा माइनस का 7x इक्वल टू में, यहाँ देखो माइनस का 1296 है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर, ये माइनस का ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा ना जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 525 माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हटा देते हैं, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो जब डिवाइड कर देंगे 7 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू में 525 बाई में 7, तो 75 बार में कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 75। अब एक्स का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, 4x प्लस 3y इक्वल टू 324, 4x प्लस 3y इक्वल टू में 324 यही ना है जी। चलिए अब इसी में हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो 4 इंटू में 75 इक्वल टू में 3y इक्वल टू में 324, ये आपका 300 हो जाएगा, और प्लस में 3y इक्वल टू में 324, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 3y इक्वल टू में 24 आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में 3, तो 24/3, ठीक है, कितना बार में हो जाएगा आपका, 8 बार में, तो y इक्वल टू में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉस्ट ऑफ वन बैग और 10 पेंसिल निकालना था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन बैग एंड 10 पेंसिल्स, सॉरी 10 पेन्स था, ठीक है, तो वन बैग का x और 10 पेन का 10y, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू कितना था 75, और प्लस में 10 इंटू में 8, 80 और प्लस का 75, 155 रुपीज हो जाएगा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6।